दोस्तों नमस्कार। आज की जो वीडियो आप लोगों के पास पहुंचने जा रही है, फौजी और भारतवीर की लड़ाई, इसका देखना आप कैसा हल आता है, जिसका नाम आंखों देखा हल बताएगा। दोस्तों कल के समय की बात है, नरेंद्र बलियान फौजी कंकरखेड़ा मेरठ के रहने वाले निवासी, कृषि विश्वविद्यालय सरदार भाई पटेल के अंदर में कर रहे काम, शराब पी करके लोगों के साथ में बदतमीजी है पेश आना, हर रोज की बारी बारी शिकायत, कितनी बारी हिदायत देने के बावजूद भी बलियान फौजी नहीं सुधरे। आखिर को जो नहीं होना था वो उन्होंने किया। पहले एक दो के साथ में लड़ाई हुई, फिर भारतवीर को मजबूर किया गया ताकि जो भी पंचर लगाने आएगा प्रत्येक 20 रुपये पंचर का चार्ज मुझे देना पड़ेगा। सरकार तो तनख्वाह बहुत देती है, फौजी भाई ऐसे भी होने लगेगा, कुछ फौजी हमारे ऐसे भी होने लगे जो कि रिश्वत का बाजार चलाने लगे हैं। अब बताइए, मैं तो लोगों की सेवा करने वाला इंसान हूँ, मैं उन्हें 20 रुपये प्रति पिंचर का चार्ज कैसे दूंगा, किसको सताऊं? मुझे तो किसी का दिल नहीं दुखाना आता है। वो फौजी बलियान, नरेंद्र फौजी बलियान कर रहे मजबूर, कल की तानाशाही हो जाने की वजह से दोनों भारतवीर और नरेंद्र बलियान, फौजी नरेंद्र बलियान दोनों कैमरे के अंदर कैद हुए। तानाशाही होते हुए जो इस प्रकार से व्यवहार बना रहे हैं, ये कोई भी हो इसमें सबके लिए बराबर होगा। यदि कोई देशद्रोही है तो उसको दंड का अभाव भी अवश्य होगा, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे किसी विश्वविद्यालय के अंदर में विशी साहब से गुजारिश है ताकि ऐसे फौजी नरेंद्र बलियान को यहाँ से निकाल दिया जाए, जो कि शराब पी करके नशे के तौर पर लोगों से मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये किसी विश्वविद्यालय की बदनामी है, इस बदनामी को रोकना होगा। और नरेंद्र बलियान से ये सवाल पूछा जाए, ऐसा क्यों करते हैं? यदि वो नहीं सुधर पाते हैं तो किसी विश्वविद्यालय से अलग कहीं भी उनका ट्रांसफर करा दिया जाए। जय हिंद जय भारत। हमारी यादगारी दोस्तों ये इसलिए आ रही है क्योंकि भारतवीर, यदि मैं कल चाहता तो उनकी वर्दी की बेइज्जती हो जाती। मैंने उनसे कहा भी, कम से कम अपनी शर्म ना करो तो वर्दी की शर्म तो करो, ऐसे 20 रुपये पंचर मांगते हुए शर्म नहीं आती। तो दोस्तों बताइए कितना बेकार हाल चला हुआ है किसी विश्वविद्यालय के अंदर में। नरेंद्र बलियान कंकरखेड़े वाले इस प्रकार से व्यवहार बना रहे हैं, इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। जय हिंद जय भारत।